दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, लेकिन दोस्तों होता है क्या है कि अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ जाता है या फिर किसी भी ऑनलाइन जगह पर अगर आपको आधार से रिलेटेड ओटीपी की ज़रूरत पड़ता है, तो यहां से आपको मैसेज दिखाया जाता है कि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे कि अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको इस तरह से पॉपअप दिख जाता है कि आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जब अपने मोबाइल फ़ोन को उठाकर देखते हैं तो उसमें आधार से रिलेटेड कोई भी ओटीपी प्राप्त नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है लेकिन रजिस्टर मोबाइल पर कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आपका आधार ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, यानी आपके मोबाइल फ़ोन पर नहीं आ रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आधार ओटीपी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको माई आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहां से आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है वो मोबाइल नंबर कभी कभी क्या होता है कि बंद पड़ा हुआ रहता है आपके पास, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो खो जाता है। आप ये श्योर नहीं कर पाते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। और दोस्तों, अगर आपको ये कंफर्म है, आपको पूरा पता है कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, और वो मोबाइल नंबर अगर आपके पास मौजूद है और अगर आपका ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसका भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। क्या पता कि आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, रिसेंट में आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई दूसरा सिम कार्ड लगा हुआ है, यानी दूसरा मोबाइल नंबर है, तो इसमें फिर आप ही का प्रॉब्लम होगा। यानी ओटीपी तो डेफिनेटली नहीं आएगा। हाँ, जिसमें लिंक होता है उसी में रिसीव होगा, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन पर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको श्योर करना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं, चेक आधार वैलिडिटी का ऑप्शन। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। करते दोस्तों, यहाँ से आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर को दर्ज करेंगे। यहाँ से आपको कैप्चा कोड मिलेगा, इसको टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा पूरा डिटेल्स, जैसे कि आपके आधार कार्ड में एज क्या है, जेंडर क्या है, स्टेट क्या है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं, मोबाइल, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उसका लास्ट 3 डिजिट नंबर शो कर जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो इस तरह से यहाँ पर आप श्योर कर सकते हैं। तो ये आपको कंफर्म करना है। तो मान लेते हैं कि जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, अगर आपके पास वो सिम कार्ड नहीं है तो यहाँ पर ओटीपी नहीं आएगा। ठीक है, यानी जिसके मोबाइल पर सिम कार्ड लगा हुआ रहेगा उसी के पास ओटीपी जाएगा, और अपने मोबाइल फ़ोन पर चेक कीजिएगा तो फिर नहीं आएगा, है ना। ये सबसे पहले आपको श्योर करना है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोस्तों, आपको कंफर्म कर लें कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल फ़ोन पर लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आधार से रिलेटेड ओटीपी को अगर आप रिसीव कराते हैं, सेंड करते हैं, तो आपके सिम कार्ड पर रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपका आधार ओटीपी रिसीव होता है। सिर्फ जियो एक ऐसा सिम है जिसमें कि आपको ओटीपी बहुत जल्द दे देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका जियो में भी अगर रिचार्ज कई महीने से अगर आप रिचार्ज नहीं किए रहेंगे तो उसमें भी ओटीपी रिसीव नहीं हो। इसके अलावा जितने भी कंपनियों का सिम है उसमें ओटीपी नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये भी श्योर करना है कि आपके रजिस्टर मोबाइल पर रिचार्ज है या नहीं है, तो आपको अपना रिचार्ज भी कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं है, अगर रिचार्ज कर लेते हैं तो यहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अब क्या है कि आपके सिम कार्ड पर रिचार्ज भी है, मोबाइल नंबर वही लगा हुआ है। अब यहां से अगर आपका ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो कैसे आपको सॉल्व करना है, इसके लिए आपको माई आधार कार्ड के ही ऑफिशियल वेबसाइट में आपको रहना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं, ग्रेवेंस एंड फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यानी इस फॉर्म को फिलअप करना होता है। यहाँ से जैसा फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करके सबमिट करते हैं तो यहाँ से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। आपके आधार कार्ड में जैसा भी नाम होता है उसी तरीके से नाम इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इंटर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कोई भी एक ईमेल आईडी देना है, अगर आप देना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं, ये ऑप्शन में रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ग्रेवेंस मिलता है, इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर खुद के लिए करना चाहते हैं तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे, और अगर अपने फैमिली मेम्बर में या किसी भी फ्रेंड का अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर्स के ऊपर सेलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपके आधार कार्ड पर क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट रिलेटेड का ऑप्शन देख सकते हैं, और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है ऑथेंटिकेशन इशू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन इशू को समझना है, उसके बाद इसको हम भी बताने वाले हैं, ठीक। ये दोनों में से एक आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन के ऊपर सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका कैटेगरी टाइप मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि रिसेंटली अपडेटेड फ़ोन नंबर बट नॉट रिसीविंग ओटीपी ऑन द सेम, यानी कि दोस्तों अगर आप हाल फिलहाल में अगर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएं अपने आधार कार्ड से, तो ऐसे में क्या होता है कि ओटीपी रिसीव अगर आपका नहीं, यानी कि एक दो सप्ताह हो रहा है मोबाइल लिंक किए हुए, तो यहाँ पर अगर आपका ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों मान लेते हैं कि आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बहुत ही पहले लिंक करवाया है, जैसे कि एक साल दो साल पहले, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ग्रेवेंस टाइप सेलेक्ट करना है, फिर से इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करते यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपडेट रिलेटेड का ऑप्शन देख सकते हैं, आपको इसी के ऊपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से इसका कैटेगरी टाइप पर क्लिक करें, जैसे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ओटीपी नॉट रिसीव ऑन रजिस्टर फोन नंबर, यानी कि हमारे रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी रिसीव नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपने बहुत पहले ही लिंक करवाया है लेकिन आपका ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों हमने दोनों ऑप्शन आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सा ऑप्शन में आपको जाना है। अगर आप रिसेंटली में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया अपने आधार कार्ड से, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्रेवेंस, इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऑथेंटिकेशन इशू, ठीक है। और अगर आपका पहले से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, एक साल दो साल पहले अगर आपने करवाया है, तो यहाँ पर आपको अपडेट रिलेटेड के ऊपर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया है, अच्छे तरीके से आपको एक बार देख लेना है, यही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे मांगा जाएगा एनरोलमेंट ई आई डी, एस आर एन या फिर यू आर एन नंबर, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाते हैं या फिर फिंगर अपडेट कराते हैं, और उसी दरमियान अगर अपना मोबाइल नंबर को भी रजिस्टर करवाया होगा, तो उसमें आपको एक इनरोलमेंट स्लिप मिलता है, यानी इनरोलमेंट आईडी का नंबर एक स्लिप मिलता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने साइड में लगा दिया हुआ है, तो इस तरह से आपको मिल जाता है। तो इसका जो इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है उसको आपको दर्ज करना है, एस आर एन नंबर है तो उसको टाइप करना है, या फिर यू आर एन नंबर, ठीक है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या अपलोड, एक साथ में 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। एक है आपका एनरोलमेंट स्लिप, और दूसरा है कि आप जब भी ओटीपी रिसीव कराते हैं आधार से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली दिखाता है कि ओटीपी रिसीव हो चुका है लेकिन आपके मोबाइल पर नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ पीडीएफ फाइल में बना लेना है, उसके बाद यहाँ से अपलोड करना है। अगर आपको पीडीएफ फाइल बनाना नहीं आता है तो आप उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करके जहाँ पर भी अपना डॉक्यूमेंट को रखते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे वैसे यहाँ पर 100% हो जाएगा, यानी आपका अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक मैसेज बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको टाइप कर देना है आपका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले आप नाम टाइप कर देंगे, आपका आधार नंबर क्या है, एनरोलमेंट आई डी नंबर टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको टाइप करना है आपका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो देख सकते हैं हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ओटीपी नॉट रिसीव ऑन रजिस्टर फोन नंबर। तो इसी को आपको देखकर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड मिल जाएगा, इसको यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते दोस्तों आपके सामने फिर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा।
जैसे आप सबमिट कर देते हैं यहाँ से आपको एक SRN नंबर मिल जाएगा, यानी एक स्टेटस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसको कैसे चेक करना है चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि होम डैशबोर्ड में आना है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो फिर से आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है, जिसमें कि मिल जाएगा चेक ग्रेवेंस या फिर फीडबैक स्टेटस। ठीक है, इसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों, जो भी आपको रिक्वेस्ट नंबर मिलता है उसको आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड मिलेगा, इसको यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टेटस मिल जाएगा, यानी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग यकीन कीजिए, एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, और क्या होता है या नहीं होता ये उसका रिजल्ट भी आ जाए। तो अगर आप सभी डिटेल्स अच्छे तरीके से फिलअप करते हैं, सारी डिटेल्स अगर सही पाया जाता है तो 100% यहाँ पर आपका ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर आपका OTP आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है और कई लोगों का हमने क्या हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी